दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चाल समय दूरी है ना। एक चैप्टर मैथ का है आपका चाल समय और दूरी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये चैप्टर आपका है, इसके बारे में हमें आज पढ़ना है कि इस पे कैसे मैथ के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे हम इन्हें लगाएंगे। आपको समझना है कि देखिए सबसे पहली बात चाल समय दूरी, ये तीन अलग अलग शब्द हैं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। तो इनमें जो एक दूसरे में रिलेशन होता है वो हम रिलेशन समझें पहले। तो आपको बताना है, आपको हम बताएंगे कि इनका जो रिलेशन है वो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले यदि हमें कहीं जाना हो, आपको अपने घर से कहीं जाना हो, तो सपोज करिए आपको इलाहाबाद से लखनऊ कानपुर कहीं जाना है, तो सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आएगी कि लखनऊ जाना है तो वो कितनी दूरी है। भाई दूरी अगर थोड़ी सी होगी तो हम पैदल भी चले जाएंगे, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार से, या फिर ट्रेन से, या फिर हवाई जहाज से। तो वो डिपेंड करेगा कैसे, दूरी पर और फिर आपके एक्सपेंस पे। तो हम पहले यहां पर देख रहे हैं कि दूरी कितनी है। अगर हमें घर से बाहर ही जाना है तो हम हवाई जहाज का प्रयोग थोड़े करेंगे, है ना। तो अब आपको हम बता रहे हैं कि मान लीजिए ये इलाहाबाद है, ठीक है, और आपको जाना है कानपुर। तो इस सबसे पहले हमने मेजर किया ये कि मान लिया ये 200 किलोमीटर दूर है। क्या ये 200 किलोमीटर दूर है? तो सबसे पहले हमें पता चल गई कि ये जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है, ठीक है। अब आपके पास इलाहाबाद से कानपुर पहुंचने के लिए मान लीजिए आपको यहां पर इंटरव्यू देना है। अगर आपको यहां पर कानपुर जाकर के इंटरव्यू देना है, आपका इंटरव्यू 10 बजे से है और आप यहां पर कितने बजे निकले। अब यहां से आपको सुबह निकलना है तो कितने बजे निकले कि 10 बजे पहुंच जाए। तो ऐसा तो है नहीं कि आप चाहे जितने बजे निकलेंगे 10 बजे पहुंच जाएंगे। अब वो डिपेंड किस पे करेगा कि आप कितनी तेजी से जाएंगे, किस साधन से जाएंगे, जो साधन यूज करेंगे आप जाने में, जिस वाहन का प्रयोग करेंगे उसकी स्पीड क्या होगी, वो कितनी तेजी से कितने समय में कितनी दूरी तय कर लेगी कि एक घंटे में हमें कितना वो पहुंचा देगा, दो घंटे में कितना पहुंचाएगा, या फिर 200 किलोमीटर तक हमें पहुंचाने में वो कितना समय लेगा। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि जिस वाहन से हम जाने वाले हैं वो 200 किलोमीटर तक जाने में कितना समय लेगा, तो हम ये यहां से अंदाजा लगा लें कि इतने बजे निकलेंगे तो 10 बजे पहुंच जाएंगे। हम मान लेते हैं कि भाई जो गाड़ी जा रही वो 50 किलोमीटर प्रति आवर, इसका मतलब क्या है कि एक घंटे में 50 किलोमीटर जाता है, एक घंटे में 50 किलोमीटर ये दूरी तय कर लेगी। तो इसका मतलब ये है कि वो एक घंटा चलेगी तो 50 किलोमीटर जाएगी गाड़ी जो आपकी है वो, एक घंटे में 50 किलोमीटर, दो घंटे में 100 किलोमीटर, मतलब 50 × 2, तीन घंटे में अगर देखें तो 50 × 3, चार घंटे में देखा जाए तो 50 × 4, यानी 200 किलोमीटर। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि अगर हम इस गाड़ी से जाएंगे, जो गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है या चलेगी, तो उससे हमें 4 घंटे का समय लगेगा कानपुर पहुंचने में। तो अब आपको क्लियर हो गया कि भाई अगर 10 बजे पहुंचना है तो आप 6 बजे निकलेंगे तो 10 बजे यहां पहुंच जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि आप 7 बजे निकलेंगे तो 10 बजे पहुंच जाएंगे, 8 बजे निकलेंगे तो 10 बजे पहुंच जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता अब, क्योंकि यहां पता चल गया कि ये गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, इससे हमें, इस चाल से हमें जाना है। तो आप 6 बजे निकलेंगे 10 बजे पहुंचेंगे, या और पहले पहुंचना है तो और पहले निकलना होगा। 6 से लेट अगर कर दिया तो आप 10 बजे वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहां से हम देखें, ये आपका जो है समय है, ये क्या है, समय, और ये जो है 4 घंटे में, ये 4 घंटे में हमें बता रहा है कि 4 घंटे में चलेंगे तो हम कितनी दूरी चल जाएंगे। यहां पर हमने निकाला क्या है, ये दूरी निकाली है, तो हम दूरी 4 घंटे में चलेंगे तो 50 की स्पीड से, तो ये बता रहा है 200 किलोमीटर चल जाएंगे। इसका मतलब यहां से जो दूरी का रिलेशन आ रहा है, भाई हमें सबसे पहले दूरी को देखा कि दूरी 200 किलोमीटर है, अब हमें ये पता करना है भाई कितनी चाल से चलना है, तो 50 किलोमीटर की चाल से चलती गाड़ी से जाना है। तो कितनी देर तक चलेंगे, 4 घंटे तक, 4 घंटे तक चलेंगे तो हम वो दूरी 200 किलोमीटर तय कर लेंगे। मतलब यहां से दूरी बराबर हमें क्या निकल के आ गया फार्मूला, चाल गुणा समय,
भाई दूरी ये है, चाल और समय का गुणनफल करते जाइए तो दूरी हमें मिलती जाएगी। जैसे यहाँ पर एक घंटे में 50 किलोमीटर, दो घंटे में 100 किलोमीटर दूरी चली गई, तीन घंटे में 150 चली गई और चार घंटे में 200 हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया इसने। तो ये रिलेशन निकल के आया इससे कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, या इसको आप पक्षांतर कर लें तो आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, या आप ये भी लिख सकते हैं कि यहां से समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, इनमें से किसी फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं, ये तीनों हैं तो एक ही, बस हमने पक्षांतर कर दिया इनको यहां पर इनको यहां पर, इनके वैल्यू को मतलब जगह को बदल दिया तो फार्मूला दूसरे रूप में दिखने लगा, बाकी हैं तीनों फार्मूले एक ही हैं, तीनों एक ही, एक ही फार्मूले से डराइव हुए हैं। अब हम इसको लेकर के प्राय यूज करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय का उपयोग करते रहेंगे, ये आपको जनरली ऐसे ही आप याद करते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल स्पीड है, चाल क्या है स्पीड, स्पीड का पहला जो शब्द है वो यस से शुरू होता है, तो इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे एस से डिनोट करेंगे, जो स्पीड होगी उसको हम एस से डिनोट करेंगे आगे, तो हम यहां लिखेंगे एस इज इक्वल टू चाल बराबर दूरी, दूरी को हम डी से लिख लेंगे और समय को हम टी से लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपकी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो एस इज इक्वल टू डी बाई टी, ये आपका फार्मूला है। अब इस फार्मूले की मदद से आप देखें क्या क्या चीजें, अगर हमें यहां समझनी हो कि चाल की परिभाषा क्या होती है तो आपको हमने फिजिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाया भी है, चाल बराबर यदि आप यहां दूरी बटे समय लिख रहे हैं तो इसकी परिभाषा भी समझ लें, एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी, और एकांक समय आपको हमने बताया है पिछले वीडियो में, एकांक समय का मतलब होता है या तो वो एक सेकेंड हो या फिर एक मिनट की बात कर रहा हो या एक घंटे की बात कर रहा हो या एक दिन की बात कर ले या एक वर्ष की बात कर ले, वो जो भी करे वो एकांक हो, माने एक हो, दो तीन चार पांच छह ना हो, वो एक हो। एक में बताए कि एक दिन में इतना जाएगा, एक घंटे में इतना जाएगा, या एक सेकंड में इतना कवर करेगा, या एक मिनट में इतनी दूरी तय करेगा, तो वो एकांक है। एक सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा वो भी चाल होगी, एक मिनट में जितनी तय करेगा वो भी चाल कही जा सकती है, बस एकांक समय जो समय है वो एकांक हो। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि पांच सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करता है कोई, 5 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करता है, तो 5 सेकंड में ये बता रहा है 30 मीटर, तो आप 1 सेकंड में निकालेंगे तो कम कम के लिए भाग करते हैं, इसको आप भाग करेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 6, यहां से क्या मिल जाएगा 6 मीटर, यानी 1 सेकंड में वो 6 मीटर की दूरी तय करेगा, और 1 सेकंड में यानी एकांक समय में चली गई दूरी ही क्या होगी उसकी चाल। तो अगर इस गाड़ी की चाल पूछी जाती कि चाल क्या होगी तो आप कहेंगे 6 मीटर पर सेकंड, ये हो गया चाल। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखें हमें कुछ बेसिक चीजों को समझना है। बहुत आसानी से हम इसको पढ़ेंगे, एस इज इक्वल टू डी बाई टी, यहां से अगर हम ये देखें कि रिलेशन इनका क्या निकल रहा है, अब बात को समझे, एस और डी जो यस है वो प्रोपोर्शनल है किसके, डी के, यस प्रोपोर्शनल है किसके, डी के, कब, जब टी कॉन्स्टेंट हो। ठीक है, जब टी कॉन्स्टेंट हो तो यस प्रोपोर्शनल होगा किसके, डी के, इसका मतलब जैसे जैसे चाल बढ़ेगी दूरी भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी, यानी दूरी को मतलब यहां पे चाल को बढ़ाएंगे तो दूरी भी बढ़ जाएगी एक निश्चित समय में, यहां पर जो समय है वो कॉन्स्टेंट है अर्थात निश्चित है, समय निश्चित है, तो एक निश्चित समय में अगर चाल बढ़ जाती है तो दूरी भी बढ़ जाएगी, चाल घट जाएगी तो दूरी भी घट जाएगी, इसका मतलब ये दोनों अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती है। अब हम बात करें अगर एस और टी की, तो ये देखें आप, ये आंसर ये हर है, इसका मतलब ये विलोमानुपाती है, तो एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टी के, यहां पर कॉन्स्टेंट क्या होगा, डी, डी जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो एक निश्चित दूरी तय करनी हो तो अगर हम चाल बढ़ाएंगे तो समय आपका कम हो जाएगा और चाल घटाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा।
ठीक है। इन बातों को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है क्योंकि पूरा चैप्टर इन्हीं बातों पे डिपेंड है, इसी के बेस पे हम पूरे चैप्टर के सवालों को हल करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम और ओपन करते हैं कि आप यहां से क्या और चीजें समझें। यहां से देखें, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर एस और डी एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है, तो इसका मतलब ये कि यस बढ़ेगा तो डी बढ़ जाएगा और यहां पर टी जो है वो कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है। तो हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज के लिए हम टी को कांस्टेंट कर लेते हैं 2 आवर के लिए, मतलब 2 घंटे। टी की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट है, कितनी है, 2 घंटे है। अब हम यस की वैल्यू जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर रखे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर, यानी जो चाल है वो 20 किलोमीटर है और कांस्टेंट एच है, जो आपका टाइम है वो 2 घंटे है। तो आप बताओ भी 1 घंटे में 20 जाता है तो 2 घंटे में कितना जाएगा, 40 जाएगा। तो ये आ जाएगा दूरी जो आएगी वो कितनी आ गई, 40 आ गई। चाल जब हमने 20 रखा तो 2 घंटे में वो कितना चल गया, दूरी 40 किलोमीटर चल गया। अब हम इसको बढ़ा रहे हैं, 20 से हमने 30 किलोमीटर पर आवर कर दिया। जो 20 किलोमीटर जाता था 1 घंटे में, उसकी चाल अब 30 किलोमीटर 1 घंटे में हो गई है। और फिर कांस्टेंट टी आपको कांस्टेंट ही है, समय 2 ही घंटे है, तो ये 2 घंटे में कितना चला जाएगा, 60 किलोमीटर। ये कितना चला जाएगा, 60 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा, समय आपका कांस्टेंट है 2 ही घंटे, ठीक है। तो ये चीज कांस्टेंट हो गई। अब इन दोनों में आपको बात समझना है कि भाई चाल बढ़ेगी तो दूरी भी बढ़ जाएगी, किसमें, उसी रेशियो में। तो आप देखो यहां पर 20 था तो ये 40, तो इसका मतलब ये इन दोनों में रेशियो देखा जाए तो 20 एकम 20, 20 दूना 40, जो यहां पर चाल और दूरी का रेशियो है, चाल और दूरी का रेशियो था पहले कितना था, 1:2। अब जब इसको हमने 30 कर दिया तो भी दूरी कितनी है, 60, तो 30 दूना 60 मतलब 1:2। मतलब ये कि रेशियो चेंज नहीं हुआ भाई, अगर हम समय को कांस्टेंट रखते हैं, चाल को बढ़ाएंगे तो दूरी भी बढ़ जाएगी, किस रेशियो में, उसी रेशियो में। मतलब ये कि इनके रेशियो में बदलाव नहीं होगा, इनके रेशियो में बदलाव नहीं होगा, जिस रेशियो में चाल बढ़ेगी उसी रेशियो में दूरी भी बढ़ जाएगी, या जिस रेशियो में दूरी बढ़ेगी उसी रेशियो में चाल बढ़ जाएगी, जब समय आपका कांस्टेंट हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप समझे, जैसे हम ये कहते हैं कि भाई ये जो चाल थी 20, उसको हमने 100 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो वो 1 घंटे में अगर 100 किलोमीटर जाने लगा, समय 2 घंटे है, तो भाई 200 किलोमीटर जाएगा, तो 40 की 100 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 200। तो इसको आप कैंसिल करेंगे, अनुपात क्या आएगा, 1:2 आएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम इसका अपोजिट लेते हैं, एक जो आपका है, अभी हमने बताया कि टी का जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, अपोजिट होगा। तो यहां से हमने निकाला एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी कब, जब डी आपका कांस्टेंट हो, ठीक है, डी आपका स्थिर हो। तो देखिए ये एक दूसरे के विपरीत है, मतलब ये है कि निश्चित दूरी चलने में हम मान लेते हैं कि ये 150 किलोमीटर दूरी निश्चित हमने कर दिया, 150 किलोमीटर दूरी निश्चित कर दी। अब हम 150 की बात करेंगे। अब यहां पर जो अभी आपका स्पीड है वो हमने ले लिया 30 किलोमीटर पर आवर, भाई 1 घंटे में कितना जा रहा है, 30 किलोमीटर, 1 घंटे में ये 30 किलोमीटर चल पाता है, तो 150 किलोमीटर जाने में, तो 30 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगा, तो 150 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लगेंगे, 30 30 30 30 करके ऐसे चलेगा, ये 30 30 30 अभी हम फॉर्मूले का उपयोग नहीं कर रहा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, तो 1 घंटे में 30 गया, अगले में 30 गया, इस तरह से 150 किलोमीटर टोटल चलने में कितना समय लग गया, 5 घंटे लग गए। तो ये अभी समय जो आ गया यहां कितना आ गया, 5 घंटे आ गए। आपका जो समय अभी आ गया 30 की स्पीड से 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे लग गए। यदि ये चाल 50 किलोमीटर पर आवर होती, ये चाल 50 किलोमीटर पर आवर होती, या कहता कि इसकी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया, तो अब समय कितना लगेगा। तो आप देखो समय अब ये 50 हो गया, तो ये 50 50 50, 150 जाएगा तो 3 घंटे में चला जाएगा, 50 50 50, तो 3 घंटे में कवर कर लेगा, ये 3 घंटे में कवर कर लेगा। चाहे तो आप फार्मूले से निकालेंगे, तो आपको यहां दूरी पता है, समय निकालना है, तो आप लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी आपको 150 किलोमीटर चलनी है, चाल आपकी 50 है, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 घंटे। तो ये 3 घंटे हो गया। अब आप देखें कि यहां से जो हमें पता चला वो पता क्या चला, पहले जो रेशियो था, पहले जो चाल और समय का रेशियो था, अगर हम कहें तो यहां से
30 अनुपात 5, 30 किलोमीटर देखिए ये समझे पहले, 30 किलोमीटर की चाल तो 5 घंटा लगता था, 50 की चाल होगी तो 3 घंटे, यानी चाल बढ़ गई। पहले आप ये समझें कि चाल यहां पर बढ़ गई, चाल बढ़ गई और समय 5 से 3 हो गया, समय 5 से 3 हो गया तो समय कम हो गया। तो हमने बताया कि दूरी कांस्टेंट है, समय चाल बढ़ेगी तो ये उल्टा होगा, ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, चाल बढ़ेगी तो समय कम हो जाएगा, भाई चाल यहां पे 50 हो गई 30 से, समय 5 से 3 घंटा हो गया, और अगर ये चाल कम हो जाएगी तो समय ज्यादा लगेगा, बढ़ जाएगा। तो अभी चालों का रेशियो अगर हम देखें, यहां पे चालों का रेशियो देखें 3:5 है, पहले 3 थी फिर 5 हो गई, या 30 थी 5, इसको कैंसिल करेंगे 3:5 का अनुपात आएगा, और जो समय का रेशियो है वो क्या है 5:3 का। तो आप देखें ये विलोमानुपात एक नहीं है इसका, मतलब अगर हम दोनों चालों का अनुपात देखें और फिर दोनों समयों का अनुपात देखें तो वो एक दूसरे के विलोम में होंगे। तो चाल अगर कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा, चाल ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, सीधी सी बात है। अब देखें इन सबको मिला करके एक जो आपको हम डेरिवेशन करने वाले हैं वो पूरे चैप्टर को ऐसे धुएं में उड़ा देगा। देखिए कैसे करना है उस चीज को आप अच्छे से समझें। अब आप इस बात को समझ लें तो फिर आप ये समझ लें कि आपके सारे सवाल हल हो गए। देखिए हमने कहा कि S बराबर डी बाई टी होगा, अब S बराबर डी बाई टी होगा, कोई चाल दिया है, दूरी दिया है तो समय आप निकाल लेंगे। भाई इसमें तीन बातें हैं, चाल है, दूरी है, समय, कोई दो बातें आपको पता है, मतलब ये इसकी वैल्यू पता दी ये निकल जाएगी, इसकी वैल्यू पता दी ये निकल जाएगी। तो अब इसके अलावा अगर सवाल ऐसा कहता है भाई अगर हम कहें S और D की तुलना करेंगे तो D क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, D क्या होगा कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से हम डिवाइड कर दें, एक को दो से डिवाइड कर दें तो आप पाएंगे S1 by S2 बराबर D1 by D2 और T से D आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा, चालों का रेशियो दूरी के रेशियो के बराबर होगा। सवाल कभी कह दे कि दो गाड़ियों की चालों का अनुपात 2:3 है, आपसे पूछे उनके द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरियों का अनुपात भी क्या होगा, 2:3 होगा। सवाल आपसे कह दे भाई दो गाड़ियों की चालों का अनुपात 2:3 है, यदि पहली गाड़ी ने 200 किलोमीटर की दूरी तय की, पहली गाड़ी ने 200 किलोमीटर की दूरी तय की तो निश्चित उसी निश्चित समय में दूसरी गाड़ी कितना दूरी तय करेगी। तो भाई इस अनुपात को आप चाल भी कहिए दूरी भी कहिए, तो पहली गाड़ी चल रही है 200 किलोमीटर, दो भाग है तो 200 किलोमीटर, तो एक की वैल्यू क्या निकल के आएगी 100, और दूसरी चल रही है तीन भाग तो तीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 किलोमीटर, है ना। आप मुझे वाली बता सकते हैं इनको, फिर आपका दूसरा आपका जो इसमें संबंध आएगा वो दूसरा संबंध आपका आ जाएगा, ये दूसरा संबंध आपका निकालना है समय और चाल में, फिर यही से सारा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। S1 is equal to D by T1, इसकी तुलना करेंगे तो D constant हो जाएगा, फिर S2 बराबर D constant है T2, आप इसको डिवाइड कर दें तो यहां से अगर हम डिवाइड कर दें इसको तो S1 by S2 बराबर D constant कट जाएगा, T2 आपका ऊपर चला जाएगा, T2 by T1, तो यहां से मिल जाएगा S1 by S2 T2 upon T1, यानी S1 S2 T2 T1, तो ये क्या है अपोजिट है, इनका रेशियो एक दूसरे के कैसे होते हैं व्युत्क्रम में, कैसे होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो मतलब ये कि चालों का रेशियो हम अगर कहें कि दो गाड़ियों की चालों का रेशियो 3:5 है तो उनके द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा, तो आपको मूंजवानी बता देना है 5:3, यानी इनका विलोम होगा। अगर वो ये कहता है कि S1, S2, S3 1:2:3 है, तो अब ये 3:1 है तो इनका विलोम ऐसे सीधे हम विलोम नहीं लिखेंगे, विलोमानुपात इसका T1, T2 और T3 निकालने के लिए आप विलोमानुपात का नियम पढ़े होंगे, अनुपात में इसको अपोजिट करेंगे, इसको अपोजिट करेंगे और इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 और 6/1, इसका एलसीएम 6/2 और 6/3, इसको साल्व करेंगे यहां से कितना आ जाएगा 6, यहां से आ जाएगा 3 और यहां से आ जाएगा 2, तो इनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात 6:3:2 होगा। भाई जो एक की स्पीड से चल रहा है यानी कम स्पीड थी तो समय ज्यादा लेगा, ज्यादा स्पीड वाला समय कम लेगा, तो इस तरह से किसी के वैल्यू दे देता। तो भाई अगर इसने 90 किलोमीटर दूरी तय की हो, इसने
90 किलोमीटर दूरी तय की हो तो बताइए पहले ने कितनी दूरी तय की। तो भाई यही आपका चाल का रेशियो ही दूरी का रेशियो होगा, तो तीन की वैल्यू 90 हो गई, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो आपको पता चल गया कि इसकी स्पीड 30 है, इसकी 60 है, इसकी 90 है। अब इनके द्वारा लिए गए समय अगर आपसे पूछे जाए तो आप वो भी बता सकते हैं, भाई 30 वाला चलेगा तो 6 भाग समय लेगा, यानी 6 * 18 180 मिनट ले रहा होगा। फिर इसकी अगर बात कर लें देखिए